फूल की दुआ लेती जा। अच्छा अभी रो रही है। ये क्या हुआ इसका अचानक देखिए। चलो चलो रो दिए आंटी ने भी रो दिए। एक अटैचमेंट हो गया बच्चों से ज्यादा होता है। चलो इमोशनल मूवमेंट गाइस। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। सो गाइस आज के नए ब्लॉग के साथ, और आज है हमारा आखिरी दिन बेंगलोर में, और आज हम लोग निकल जाएंगे वापस से हमारी मुंबई में घर पे जाने के लिए। तो आज पैकिंग वैकिंग करना है और फ्लाइट भी हमारी बुक हो चुकी है। तो अभी तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने, क्योंकि आज लास्ट डे है। तो इधर इडली मेदू वड़ा डोसा सब इधर ही खा के कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वहाँ जाके दानिश बोले मैं हाथ ही नहीं लगाऊंगा डोसे वोसे को। सही बात है। गाइस हम लोग ने अभी तक कुछ रेडी नहीं हो, नींद में से उठे, कपड़े पहने, डायरेक्ट निकल रहे हैं, डायरेक्ट अभी नाश्ता करने। क्या रात को लाइट चली गई थी, इतना परेशान हो गया मुझको बाप रे बाबा। अब भी आके लाइटिंग और हम लोग गए थे होटल में रुकने के लिए, क्योंकि इधर लाइट नहीं थी। आज हम सो नहीं पा रही थी, का है लाइट। अच्छा सो गाइस हमारा डोसा आ चुका है, कैसा लगा नौशी? अच्छा है ना, इसे मैं बोला यहाँ से ही लेते। वो सडनली होटल में लेके आ रहा था वो, मैं बोला नहीं आका नहीं खाना कुछ। कहाँ पर लेके आ रहा था तू? में एक पता लेके जाए। चलो घर के लिए थोड़ा सामान लेने। यहाँ पर चौबे की रोटी जो बोलते हैं वो बहुत फेमस है, तो हम लोग हमेशा से खाते थे। सोनू लोग लेके आते थे, मेरे खाला लोग लेके आते थे मुंबई में जब भी आते थे। तो ये बार हम लोग लेके जाने वाले हैं, क्योंकि मेरी सासू माँ ने भी याद से बोले कि लेके आना, क्योंकि उनको भी पता था, उनके भी घर वाले नाना इधर के ही है बेंगलोर के, तो उनको पता है। तो ये सब सामान लेने जा रहे हैं। तो ये एरिया पूरा शिवाजी नगर बहुत ज़्यादा फेमस एरिया हो गया है ये। कौन सी वाओ माशाल्लाह बहुत प्यारी है। एक मिनट ना टैप करना बहुत खूबसूरत लग रहा है। वाओ कौन सी चांदनी चाइना चांदनी चौक है लोग। सो गाइस दानिश की नज़र बहुत यहाँ वहाँ जा रही, क्योंकि उसको यहाँ पर चिकन मटन सब दिख रहे हैं। बोलता फूडी इलाके है ये मोहम्मदी रोड में था। हम लोग लेने आ गए हैं चौबे की रोटी। तो ये एरिया सब चौबे की रोटी है, यहाँ पर सब मिठाई है। तो गाइस आप लोग खाए हो कि नहीं खाए कमेंट करके जरूर बताना। बेंगलोरीज खाए हो गए, पर जो नहीं खाते बेंगलोर जो खाने वाले उन्होंने कभी टेस्ट किया तो ये बताना क्या हुआ। कुछ हुआ तो ले लो, चलो अपने घर के लिए लेना, मम्मी के घर के लिए बस लेता हूँ। नौशीन का टेस्ट करिए रवि की रोटी। नौशीन कैसी लगी? नहीं बे मावे की। अच्छा मावे की देखो, खा के देखो। खोपरे की अच्छी ना? हाँ ये अच्छी है। हाँ हमने खोपरे की खाया, ये पहली बार खाई थी। टेस्ट अच्छा नहीं है बोला था ना। अच्छा हम लोग आ गए थे होटल में खाने के लिए। तो यहाँ पर सोनू ने बोला कि मटन का क्या मिलता है, शाही मटन मिलता है, तो ये खाए। तो हम लोग खाते रह गए, बहुत मस्त बनाया एंड अच्छी जगह लेके आए, गुड वन है। अच्छा है वे और गाइस ये रोटी क्या बोलते हैं, सेवी सेवी चीले के में कुछ और बोलते हैं, चीले जैसी दिख रही है उसको लेके बैठी है। मशीन से स्प्रे प्रेस करके ये करते हैं, बाफते उबालते। हाँ यहाँ पर अभी हम लोग घूम रहे थे तो यहाँ पर पूरी लाइटिंग की लाइटिंग मस्त लग रहा है। क्या है कौन सा ब्रिगेड रोड है? साइड में तो हो पर बीच में हो। चलो गाइस आगे देखते हैं और क्या क्या है उधर, बहुत प्यारा लग रहा है। हम लोग को यहाँ की नाइट लाइफ देखने की, मतलब रात को कैसा लगता है इधर। तो हम लोग उसके लिए यहाँ पर राउंड मारने निकले थे, देखे थे इतनी प्यारी जगह पे सोनू लेके आया, मस्त लग रहा है यार। एकदम है ना, एकदम सब ब्रांड्स है इधर। हाँ यो क्या, ओह माय गॉड मेरी जान। हम लोग घर पे आ गए और पैकिंग करना स्टार्ट कर दिए। तो यहाँ पर मेरी बैग जो है वो खराब हो गई है, मतलब छिंदो खराब नहीं करना प्लीज, निकलना है रात को।
हाँ हुआ वहाँ से खुल गई थी, उसको करना पड़ेगा। सो गाइस दानिश ने फाइनली बना दिया, कुछ तो काम आ गया। सब तुम्हारे पे हंसते थे, देखो तुमने सबको इतनी उंगलियां कर दी हो ना कि सब तुम ऐसे इरिटेट हो गए अभी और तुम्हारे ऊपर हंस रहे से, समझे? हाँ बोले बहुत इज्जत कर ली हमने। आज क्या नको नहीं चाहिए हो गई, चलो खोलो अभी, खोलो मैं। टैगिंग स्टार्ट हो चुकी है, देखो सब नौशीन सब खड़ी कर रही है। नौशीन वही खड़ी नहीं, अभी वही सब निकाली तुम्हारी आइजल के बैग में, मेरे ये बैग। हाँ और मेरे, हाँ पेट पैक होएगा, तू नहीं पैक होएगा। चलो चलो जल्दी जल्दी करो, आइजल आइजल को डाल ले अंदर, डाल दे डाल दे डाल दे। सो गाइस यहाँ पर पैकिंग हो गई, नौशीन हुई पैकिंग, कितना है वजन? जल्दी देखते हैं। नहीं हुआ तो फिर कैसा हैंडबैग? चलेगा चलेगा, 15-15 किलो का दो भी हो गया ना। तो क्या करना, 4-5 शर्ट और 6-7 पैंट पहना देना एक साथ। रात के टाइम हम लोग ने हैंडबैग लेके आए थे, सोनू के पास था वेट मशीन का, मतलब वो उठाने का, तो यहाँ पर सोनू उठा रहा। कितना है? ज्यादा है, आधा किलो ज्यादा है। बुलाना तो तुम लोग के हाथ का वजन भी तो होएगा ना? नहीं यही है। तो फिर क्या करेंगे अभी? चलेगा ना इतना पे? आधा किलो चलता है। हाँ चलता है, चले, दोनों के बैग को मिला के रहता है ना, 30 किलो हो जाएगा ना। चलेगा, हाँ ठीक है, देखते चलो। अरे क्या करते हो तुम मेरे बच्चे को यार, दिमाग खराब होता है तुम्हारा? गाइस लोग देखो मेरे बच्चे लोग चलो जाते आई चल चल जाते वॉकलिंग की जरूरत नहीं, टायर लगा दो। अरे मत करो ऐसा, मेरे बच्चे को निकालो वहां से, निकालो बच्चे को। आई चल हम लोग ने खाना मंगा चुके हैं और खाने में आज हमारा आ चुका है तड़के वाली दाल और चिकन। क्या लू, अभी खाना खा रहे हैं हम लोग, आज खा लो बेटा हमारे साथ, लास्ट डे पिकल्स। इंशाल्लाह कभी आएगा, 2 महीने बाद 3 महीने बाद है ना, एक अभी आएगी मुंबई, मुंबई इंशाल्लाह। खा लो हमारी याद आएंगी फिर तुम लोग को। हाँ ये जा रहा है गाइस, बहुत गंदा घूमने जा रहा है ये। ए कुछ बोल ही नहीं रहा, खाने में इतने मगन हो गए हो, देखो ना। हाँ तो गाइस अभी 11 बजे हैं, हम लोग को 2 बजे निकलने का है, तो सोनू और राजू में हम लोग को एयरपोर्ट छोड़ने आएंगे। तो क्या बोला था, भूखा हो गया, लास्ट बार मिस करेगा, हम लोग खिला रहे हैं। बड़ी बात नहीं बोलने का, बड़े नहीं वाले खाने का। अच्छा बड़े नहीं वाले खाओ, माँ प्लेट दिया। खाना हो गया हमारा और हम लोग सोनू को कब से बोल रहे कि बता खाने का कितना हुआ, लेकिन ये बता नहीं था। तो दानिश ने बातों बातों में उसे सब चीज उगलवा दिया है। वो कैसा उगलवा है? मैं सोच रहा राइस अच्छे कितने के लिया, बस 70 रुपए का लेके आता है। दाल दाल तो फिर जाती, चिकन बने जो कल खाए थे उसे महंगी सस्ती, मैं इतना सस्ती है, मैं कितने की बोले 180 का डब्बा आता है। तो हिसाब मार दिए, देख 70 के 4 चावल 140-280 की एक हो तो 2,360 रुपए उसका। अच्छा मतलब 500 रुपए अंदर सब आ गया, 600 रुपए के अंदर सब आ गया। वाह भाई वाह, देखा मेरे हस्बैंड का दिमाग, मुंबई वाला ना, बिजनेस माइंड, बिजनेस माइंड है। हम लोग क्या करते, उठते है इडली खाते है, इडली जैसा दिमाग हो जाता है। इडली वाला बैंगलोर में है ना, मेन बात बैंगलोर में क्या मालूम, देखो मैंने एक चीज नोटिस किया बैंगलोर में, जल्दी उठो जल्दी सोना लिया, बिजी लाइफ नहीं है। सही बोला, अपना वो मैं कैसा, तुम्हें एक बजे तक उठो, 9-10 बजे काम करो, फिर घर पे आके सो जाओ वापिस। लोग ऐसा नहीं है, लोग ऐसा है 8 बजे जॉब पे जाओ, शाम को 6 बजे आ जाओ, 20 बजे टाइम दो, वो अच्छी लाइफ है। फिर 10 बजे सो जाओ, 10-11 तक सो जाओ, इसी लोग यहाँ पर अभी खाना पीना होता है, तो यहाँ पर ये लोग रेड हैंड्स खेल रहे हैं, तो खेलो चलो। पतले होने का फायदा, पतले हाथ ज्यादा लगते तुम लोग मोटो से तो। अरे बच गई, मिस हो गया, कसम से मुझे तो मारता हूँ अभी।
अबे कुछ काम कर रही है तो हाथ लगना चाहिए। हो चुका है हम लोग का सब डन और अभी हम लोग पहन रहे हैं कपड़े। मैं तो यही पहन रही हूँ क्योंकि मेरा जो आउटफिट था पहनने का वो मेरे को पहनने का दिल नहीं हो रहा, मतलब वो बहुत शॉर्ट लग रहा है इसके लिए मन नहीं हो रहा पहनने का। नॉर्मली अभी सुबह की फ्लाइट ही तो कौन देखने वाला है, इसके लिए मैंने यही पहन लिया। दानिश को भी आज लूज हो रहा है कपड़ा, क्या हो रहा है अपने साथ क्या पता। मैं तो कुछ भी पहन सकता हूं। नहीं अच्छा लग रहा है तुम्हारे ऊपर ये बटन खुला। मेन अपने डीसी मार के आए थे ना। नहीं छी हो यार पागल लग रहे हो। अपन ने डीसी मार गया था ना, सिर्फ अभी नॉर्मल डीसी कर रहे थे तो सूट नहीं हो रही है वो। चलेगा तो शूज पहनोगे तो अच्छा लगोगे। तो खैर है, चलो टिकट रेडी हो जाओ। चुप कर जाओ, रेडी हो जाओ, निकलते हैं। आइजल को भी रेडी कर दिया। हो चुके हैं हम लोग रेडी और आइजल भी रेडी हो गए। ले वाह कहाँ जा रहे हो? वापिस नानी और दादी के पास जा रहे है ना। ये नानी को छोड़ के वो दादी नानी के पास भागोगे अभी है ना छोटू। चलो हो गए रेडी, रेडी हो गए। रो रही है। चलो जाएंगे निकलेंगे सोनू। हमें रात को कौन चश्मा पहनता है? ये भैया को छोड़ के आ जाते हैं। ये भैया जा रहा है अपन को छोड़ के। चलो उठा के लेके चलो। चलो जाएंगे, चलो 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 मिलो। नौशीन मिलने जा रही है। एक मिनट, बाबुल की दुआएं लेती जा, चिको सुखी संस। आइजल सर पकड़ो, मैं भी मिल लेता हूं। आइजल कम हियर, कम हियर, कम 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 कम। सुनंदी अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मालिक। बहुत सताए हैं, बहुत बाल मेरे जावे नहीं, बाल मेरे नहीं। आइजल अच्छा अच्छा ये तुम्हारा शर्ट है ना। चलो गाइस चलिए आ रही है। आइजल अम्मा, आइजल आजा आजा। आइजल नहीं मेरे पास आएगी, ऐसे सिर्फ मेरे पास है। आइजल चल जाते हैं। अबे रो रही है ये क्या हुआ? इसका अचानक देखी वो सोनू को तरब्बा की याद आती है। किसको? सोनू को देख के तरब्बा की। अच्छा ऐसा क्यों रो रही है? इतना प्यार बहन के लिए, इतना प्यार बहन के लिए। एयरपोर्ट तक के रुक जा, उसे संभाल ले एयरपोर्ट तक। एयरपोर्ट के बाद करेंगे। चलो चलो रो दिए, रो दिए आंटी ने भी रो दिए। एक अटैचमेंट हो जाता है बच्चों से, बच्चों से ज्यादा होता है। अरे आइजल ये रो दो, चश्मे में दिखता भी नहीं। चलो 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 इमोशनल मूवमेंट गाइस। चलो गाइस इसी के साथ ब्लॉग एंड करते हैं। आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। एयरपोर्ट पे क्या होता है क्या नहीं वो बताते हैं।